तो वही मथुरा में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत की घटना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल बताते चले कि मथुरा के गोविंद नगर इलाके में स्थित जगन्नाथपुरी में आज शाम उस समय हाहाकार मच गया जब वहां के रहने वाले कृष्ण उर्फ निमाई पंडित और उनकी पत्नी साधना कौशिक का शव कमरे में पड़ा मिला। इसके बाद जिसके बारे में बताया गया है पुलिस ने कि जब घटना हुई तो उस समय बच्चे किसी दूसरे कमरे में सोए हुए थे और पति पत्नी दोनों एक साथ कमरे में सोए थे, लेकिन जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आई तो बच्चे जागे और दोनों को गोली लग चुकी थी तब तक, जिस पर जो है लाइसेंसी 12 बोर के हथियार से गोली जो है चली है वह मौके पर मौजूद पाया गया है। लेकिन अभी तक जिस तरीके की संभावना है उससे यही लग रहा है कि पहले पत्नी को गोली मारी गई है फिर खुद को गोली मारी है, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम अभी सबूतों को जुटाने में लगी हुई। पति पत्नी का संदिग्ध शव है जिनकी डेथ हो चुकी है, इनमें दोनों को गोलियाँ लगी हैं और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है और देख के समझ में आ रहा है वो ये है कि संभवतः पति द्वारा पहले पत्नी को मारा गया है, क्योंकि इनके पास लाइसेंसी वेपन है 32 बोर की, लाइसेंसी वेपन भी वहीं पड़ी हुई है घटनास्थल पे। फॉरेंसिक टीम हमारी आई है, वो जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इनके जो CCTV लगे हैं घर में उसकी भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और आत्महत्या की तरफ ही बात जा रही है। सर कितने बजे की घड़ी की घटना है? अभी जस्ट इससे 1.5 घंटे पहले की घटना है। क्या लगता है बच्चों से बात हुई? बच्चों का कहना है कि हम कमरे में सो रहे थे और उस समय जब फायर हुए तो फिर हम लोग जगे तो पिताजी बाहर मतलब गिरे पड़े थे। सर किसी भी व्यक्ति के इनके घर के पास आने, घर के अंदर जाने का कोई अभी तक ऐसा कोई हमको साक्ष्य नहीं मिला है, कोई इनके घर में एंट्री किया हो या किया हो। कितने कारतूस अभी हमारी फॉरेंसिक टीम ढूंढ रही है और जाँच कर रही है, जितने मिलेंगे आपको बताएंगे।